सभी की मदद के लिए पहुंची है ईशा। लेकिन यहां पर ईशा को भोसले इंस्टीट्यूट में देखकर राव साहेब का पारा हाई हो चुका है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि ईशा का नाम भी घर के अंदर लिया जाए या फिर ईशा का कोई भी वजूद इस घर के अंदर हो। ईशान भी ईशा से बेहद नफरत करता है। ऐसे में अब लगातार ईशा को लेकर इनके घर में पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन अब सभी की मदद के लिए जब पहुंची है ईशा भोसले इंस्टीट्यूट, तो यहाँ ईशान ने सभी का एडमिशन लेटर भी फाड़ दिया है। वो साफ साफ कहता नजर आया कि जो भी इस औरत का हाथ थाम लेगा उसका जो है रास्ते का कांटा मैं बनूंगा और मैं उसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अपनी माँ के लिए इतनी नफरत देखकर जहाँ शांतनु भी काफ़ी ज़्यादा दंग था, वहीं राव साहेब ने आकर ईशा को इंस्टीट्यूट से बाहर जाने को कह दिया है। साफ साफ कहा राव साहेब ने ईशा को कि इस इंस्टीट्यूट में तुम्हारी कोई जगह नहीं और आज के बाद कभी भी यहाँ मत आना। हालांकि ईशा यहाँ पर अपने किसी भी पर्सनल काम के लिए नहीं आई थी, वो तो अपनी स्टूडेंट और वो लड़की जिसको वो अपनी बेटी मानती है सभी, उसके लिए इस इंस्टीट्यूट में आई थी ताकि उसका एडमिशन समय पर हो सके। पर ईशा को वहाँ देखकर ना सिर्फ ईशान बल्कि राव साहेब भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं और साफ साफ बाहर का रास्ता वो ईशा को दिखाते हुए नजर आए। ईशा की जिस तरीके से तौहीन हुई है सभी वो सब देखकर काफ़ी दंग थी। सभी तो ये बात जानती भी नहीं थी कि ईशा शांतनु की पत्नी है, ईशान की माँ है। लेकिन ये सारा ड्रामा जब उसके सामने हुआ है तब जाकर उसके सामने ये राज खुला है कि ईशा कौन है, ईशा का भोसले इंस्टीट्यूट से क्या लेना देना है। और इन सारी चीज़ों को लेकर अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से अब लगातार जो है ईशा अपनी बेइज्जती सह रही है। लेकिन वो इस बात से काफ़ी निराश हुई कि ईशान उसके बारे में जब भी बोलता है तो इतना कड़वा बोलता है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि ईशान के मन में उसके लिए इतना जहर किसने भर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि अब जब ये राज सभी के सामने खुल गया है, ईशान और ईशा की सच्चाई उसके सामने आ गई है, तो क्या सभी इनको मिलाने के लिए कोई कदम उठाएगी? और जहाँ तक बात है राव साहेब की, राव साहेब ने साफ साफ ईशा को बाहर चले जाने के लिए कह दिया है। आपको क्या लगता है कि ईशा का अगला कदम क्या होगा? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी विंडो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।